Hey guys, this video is brought to you by the brilliant One Football app. There is so much football action all around the world happening simultaneously and it is difficult to keep a track of everything. One Football app makes that really easy for you. The newest feature of the One Football app is global users apart from Indian subcontinent can stream the Indian Super League ISL for absolutely free on the One Football app. The World Cup season is also upon us, so any information related to your favorite team, anything that you need to know about your favorite players, One Football app has you covered. So please go ahead and download the One Football app for absolutely free, either from the link given in the description below or from the QR code being flashed on the screen right now. Carabao Cup, Chelsea versus Man City, ek aur tough fixture Chelsea ke liye aur jis tarike se Chelsea is samay खेल रही है काफ़ी मुश्किल है। मैं ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठा नहीं हूँ इस मैच से, जैसा मैंने आपको पिछले वाले मैच में भी कहा था आर्सेनल वाले गेम में। आई डोंट थिंक कि चेल्सी हैव इट इन देम, जिस तरीके की हमारी इंजरीज हैं, जिस तरीके का हमारा स्क्वाड का शेप है इस समय, दैट वी कैन बीट आर्सेनल। और स्टिल मैं होपफुल था, एज अ फैन मेरा बायस तो रहेगा ही, मैं अपनी टीम को बैक करूँगा ही। बट अगेंस्ट मैन सिटी आई थिंक चलो ठीक है, अगर सेकेंड स्ट्रिंग टीम्स भी खेलती हैं दोनों, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इस मैच में होगा, बिकॉज ठीक है अभी वीकेंड पे फिर से एक प्रीमियर लीग का मैच है और अभी आपने खेला है तो मिड वीक ये गेम है। कारवा कप ठीक है, आप टेक मतलब वो होता है ना टेक इट ईजी टाइप्स, कि आप आराम से अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम, आप उन प्लेयर्स को चांस दे सकते हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो सेकेंड स्ट्रिंग टीम है सिटी की वो मच बेटर है चेल्सी से, चेल्सी की बेंच में मुझे लगता नहीं उतनी क्वालिटी है जितनी क्वालिटी सिटी की बेंच में। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक सिटी कैन प्ले अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज अभी क्या है दो मैचेज हैं, उसके बाद तो वर्ल्ड कप है, तो वैसे ही एक ब्रेक आ रहा है, गैप आ रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मैच के बाद आपको बैक टू बैक फिर लीग फुटबॉल में कई सारे मैचेस खेलने हैं। तो आई थिंक सिटी जैसे हालैंड को स्टार्ट करा सकती है इस मैच में, लास्ट मैच में भी ही केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट, पेनल्टी स्कोर करी अगेंस्ट फुलम, तो अगर उनको रिदम में लाना है फॉर दैट गेम वीकेंड पे तो हालैंड कैन स्टार्ट दिस गेम, एंड इफ हालैंड स्टार्ट्स तो हमको पता है फिर व्हाट कैन हैपन। और चेल्सी देखिए इस समय बहुत ही ख़राब स्थिति में है, दे आर नॉट इन द राइट स्पेस इस समय, चीज़ें क्लिक नहीं हो रही हैं, जैसा मैंने अपने आर्सेनल वाले रिव्यू में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इस समय चेल्सी के। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ चेल्सी गेट बैश्ड इन दिस गेम, मैं बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं लगाया हूँ यहाँ पे, लेकिन यही फुटबॉल है, यही मॉडर्न फुटबॉल है। आप बार बार इंजरीज और लिमिटेशंस का बहाना दे दे के ये नहीं बोल सकते कि आप मैचेस हारते रहे। मैचेस हारना इज़ नेवर अ गुड थिंग। 4-5 मैच आप लगातार खेल लिए हैं और एक भी आपकी विन नहीं है, तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिट्रामेंटल हो सकता है ये। फिर आपने वीकेंड पे न्यूकासल से खेलना है, न्यूकासल इज़ अ वेरी वेरी टफ ओपोनेंट, थर्ड है वो प्रीमियर लीग में, और जिस तरीके की वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड चेल्सी जिस तरीके की डेड फुटबॉल खेल रही है पिछले 3-4 मैचेस से, तो मुझे तो न्यूकासल से भी जीतती नहीं दिखती है चेल्सी की ये टीम अगर इसी तरीके से खेलते रहे। हैंस कम्स द मैनेजर्स इनपुट, मैनेजर की प्रोवेस आती है इसमें, मैनेजर का कैलिबर जो है वो टेस्ट होता है कि आपके पास जितनी भी मर्जी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम कभी ना कभी हर टीम के साथ कुछ ना कुछ रहती है, लेकिन आपको उन्हीं प्रॉब्लम्स के बीच में से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगेन आई एम ऑल फॉर बैकिंग द मैनेजर, मैं मैनेजर को बहुत अच्छे से बैक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अब रिजल्ट्स भी चाहिए। ठीक है, अब ब्राइटन जैसी टीम होती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, अगर आपके कुछ 4-5 रिजल्ट्स ख़राब चले भी जाते हैं तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि एक मिड टेबल टीम अगर 3-4 मैचेस के विनलेस रन पे भी जाती है ना तो वो मिड टेबल ही रहेंगे, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो यूरोप के लिए फाइट करेंगे, तो चल जाता है उस केस में जब आप नहीं कोई रिजल्ट निकाल पाते। लेकिन दिस इज़ चेल्सी फुटबॉल क्लब, जहाँ पर आप टॉप 4 के लिए टाइटल तो खैर अभी दूर दूर तक मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, एटलीस्ट फॉर 1 or 2 ट्रांसफर विंडोज़, लेकिन आप ट्रॉफीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं, आप कप्स के लिए फ़ाइट करते हैं, आप टॉप 4 के लिए तो आपको फ़ाइट करना ही है। टॉप 4 जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, रूथलेस हो गया है प्रीमियर लीग, जहाँ आप यहाँ पर स्लिप करेंगे मूव है बैठी हैं 2-3 टीम्स जो आपकी जगह लेने को तैयार हैं बिल्कुल, चाहे न्यूकासल है, ब्राइटन का आप गेम देख लीजिए इस समय, मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिसर्जेंस है, लिवरपूल की एक बहुत अच्छी विक्ट्री थी अगेंस्ट स्पर्स पिछले वीकेंड, तो भाई यहाँ पर चेल्सी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन अगर हम फ्लिप साइड पे देखें, चेल्सी किसी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट निकाल लेती है, किसी तरीके से हरा देती है मैन सिटी को, जीत जाती है टाई, तो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक अगर आप कारोबाओ कप में आगे तक पहुँचते हैं, मान लीजिए अब कारोबाओ कप ठीक है यहाँ पर ज़्यादा अहमियत होती नहीं है, कारोबाओ कप की लोग जो है ज़्यादा इसको
एक मेजर ट्रॉफी की तरह नहीं देखते, लेकिन स्टिल ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी मेरे हिसाब से। सिल्वरवेयर किसी भी तरीके का वो कॉन्फिडेंस बूस्ट ही करता है, चाहे आप सुपर कप भी जीते जो कि एक मैच होता है, क्लब वर्ल्ड कप जीते हैं जो कि दो मैच होते हैं, सेमीफाइनल फाइनल होता है, किसी भी तरीके की जो इस तरीके की चीज़ें होती है ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं। तो काराबाओ कप भी उस तरीके का है। आई डोंट थिंक कि एज अ ट्रॉफी काउंट आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, बट एज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर स्क्वाड को लिफ्ट करने के लिए ये ट्रॉफी ज़रूरी होती है। तो मुझे लगता है कि चेल्सी को ये मैच सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन क्या चेल्सी के पास रिसोर्सेज हैं इस मैच को सीरियसली लेने के लिए? बिकॉज जैसा मैंने कहा वीकेंड पे यू विल फेस न्यूकासल, तो क्या चेल्सी केपेबल है और क्या चेल्सी किसी भी तरीके की एक स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ फील्ड कर सकती है मैन सिटी के अगेंस्ट? यहाँ पर मुझे डाउट्स है। अब देखिए, मैं कई सारे जितने भी मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, खैर ट्विटर पे तो मतलब दूर ही रहना चाहिए जब आपका क्लब स्ट्रगल कर रहा हो, क्योंकि ट्विटर पे हर कोई किसी भी तरीके की ओपिनियन दे देता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं, फेयर इनफ, करनी भी चाहिए एज चेल्सी फैन, हर एक कॉन्टेंट क्रिएटर और सबको बनता है बिल्कुल कि उनको देनी चाहिए, लेकिन सब क्या है गलतियाँ गिना रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, पॉटर ये गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बता रहा है इस समय कि इस चीज़ से निकलेंगे कैसे। गलतियाँ तो सब बता रहे हैं कि पॉटर ने उसको नहीं खिलाया, ये नहीं खिलाया, वो नहीं खिलाया, क्यों पॉटर इनको खिला रहा है? ठीक है, एक दो डिसीजंस पे आप बोल सकते हैं कि जकारिया जब उनका गेम अच्छा है तो आप उनको लीग में तो बिल्कुल चांस ही नहीं दे रहे, वो सारी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं बता रहा। सब कह रहे हैं कि एस्पिलिक्वेटा में दम नहीं है, अब ही इज़ नॉट अप टू इट, हाई इंटेंसिटी मैचेस नहीं खेल सकते, तो सबको पता है ना, तो आपकी स्क्वाड प्लानिंग को आप ब्लेम करेंगे ना यहाँ पे, पॉटर की इसमें क्या गलती है? तो आई थिंक पॉटर को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं, टॉप फोर की रेस बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है जिस तरीके से लग रही हैं चीज़ें देखने में, लेकिन आपके पास अभी टाइम देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है पॉटर को। मतलब मैं जिसको देखता हूँ, नहीं टूकल ही अच्छा था यार, टूकल के टाइम पर सब अच्छा चल रहा था, पॉटर को पता नहीं क्या चल रहा है, ये वो है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम ज़्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना ज़्यादा भी इम्पेशेंट होना चाहिए। और अगर पॉटर इज़ नॉट द राइट गाय तो फिर सॉल्यूशन क्या है, आगे आगे क्या है, मतलब व्हाट्स द वे अहेड? तो आई थिंक पॉटर को हमको बैक करना चाहिए, और ठीक है अगर हो भी सकता है अगले दो गेम, वर्स्ट केस सिनेरियो हम दो गेम हार जाएं, विच वुड मीन कि 7 या 8 गेम्स हम विनलेस जाएंगे, विच वुड बी एब्सोल्युटली अपॉलिंग, मैनेजर सैक हो जाते हैं ऐसी फॉर्म पे, ये तो हमने बहुत देखा है, 8 मैच तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 5-5 मैच में चेल्सी को मैंने मैनेजर्स को सैक करते हुए देखा है। तो ये चीज़ें हैं जो आई थिंक सॉर्ट करने की ज़रूरत है पॉटर को, और ठीक है मैं यहाँ पे शील्ड करूँगा, पॉटर को डिफेंड करूँगा, बट अगेन आई वुड से कि एज अ मैनेजर आपका काम है, इट्स योर टास्क कि आप लिमिटेशंस हैं और जो भी इंजरीज हैं, जो भी आपकी कमजोरियाँ हैं उसको आप ओवरकम कीजिए, एक सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, एक प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अगर ये दो गेम्स भी हार जाते हैं ना तो हारने की जो आदत लग जाती है ना उससे बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर हम यार बार बार कब तक ये बोलेंगे कि रीस जेम्स नहीं है वरना तो यार देखो क्या हो जाता, कांटे नहीं है वरना तो ये क्या हो जाता। तो ठीक है, आई बिलीव कि वहाँ पर जो रिएक्शन आ रहा है चेल्सी फैन बेस से वो सही है, वी शुड बी लुकिंग एट वेज टू विन गेम्स। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स है तो ठीक है, इट्स ओके टू लूज, इट्स नेवर ओके टू लूज। आप अगर जीत भी नहीं रहे तो किसी तरीके की फ़ाइट दीजिए, तो समझ भी आए अच्छा चल ठीक है यार फाइट तो कर रही है टीम, एक दो अगर हम इसमें प्लेयर्स डाल देंगे जो इंजरी से बाहर है तो बेटर हो जाएगी, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस फिर भी आता है, लेकिन अभी उस तरीके की चीज़ भी कुछ लग नहीं रही है। तो आई थिंक पॉटर को थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आप बोलेंगे ना कि पॉटर इज़ नॉट द राइट गाय तो फिर आप वही गंदे से एक फेयर में फंस जाएंगे, एक विशियस साइकिल में, आप मैनेजर निकालेंगे लाएंगे और आप टाइम किसी को दे नहीं रहे, प्रोजेक्ट आप बनने देंगे नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा एक रट में फंस जाएंगे और आप इतनी जल्दी खिसक जाएंगे ना, ये जो फुटबॉल का जो एक पिरामिड बना हुआ है ना, आप इतनी जल्दी नीचे आ जाएंगे 1-2 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा। एक सीज़न ख़राब हो गया आप सहन कर लेंगे, 2-3 सीज़न लगातार ख़राब हो गए ना इस मैनेजरियल चेंज में और इसी ट्रांजिशन में, और आप जहाँ टाइम नहीं दे रहे हैं, पेशेंस नहीं रख रहे हैं, मैनेजर को उसकी टीम बिल्ड करने का टाइम नहीं दे रहे, तो इतना गंदा आप फंसेंगे कि उससे रिकवर करने में आपको 5-6 साल लग जाएंगे। केस आपके सामने आर्सेनल देख लीजिए, 3 साल दिया अर्टेटा को, 3rd सीज़न में देखिए बढ़िया काम कर रहे हैं। यूनाइटेड अब 10 हाग पे ट्रस्ट कर रही है अच्छे से, पहले 2 गेम्स आप देख लीजिए, अब देख लीजिए ट्रस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 10 हाग के भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जैसे अभी एस्टन विला वाला आप रिजल्ट देख लीजिए, हर मैनेजर के साथ होगा वो। चेल्सी का ये है कि बैक टू बैक रिजल्ट्स खराब हो गए हैं और टफ फिक्चर्स है अभी, आर्सेनल मैन सिटी न्यूकासल 3 और टॉप 3 टीम से लगातार 3 फिक्चर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है,
ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इस मैच से चेल्सी फैंस, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो ज़्यादा मतलब मैं ये कहूँगा कि कॉन्फिडेंस के लिए हमारा अच्छा होगा, बट इन लीग फॉर्म इट वुडंट मीन एनीथिंग। आई थिंक द मैच अगेंस्ट न्यूकासल इज़ वेरी क्रूशल फॉर अस, तो देखते हैं क्या होता है। आप मुझे बताएं व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस। मैं इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा बिकॉज मुझे पता है क्या होने वाला है इस मैच में, तो आई वॉन्ट प्रेडिक्ट दिस गेम। बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर बी टीम वर्सेस बी टीम भी होती है ना, तो सिटी की बी टीम इज मच मच बेटर देन व्हाट चेल्सी हैव ऑन देयर मैच। तो ठीक है, मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वॉच अलॉन्ग करेंगे आज रात को, लेकिन जब मैच किक ऑफ हो रहा होगा उसके 10-15 मिनट पहले ही आऊँगा, बिकॉज गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की मेरी चल रही होगी स्ट्रीम दूसरे चैनल पे, तो उस पे आप ज़रूर आइएगा और फिर देखते हैं आज रात को किस तरीके से जो है मैच पैन आउट होता है। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।